स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, मैं आपकी श्वेता मैम एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम, केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम ऐसा सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाते हैं और उसमें आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर के सारे वीडियोस जो है एक जगह ही मिल जाएंगे। और यदि आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में भी उसको शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक होने के कारण। ठीक है, पिछला वीडियो हमने इसका देखा था कि हार्ट अटैक किसको कहते हैं, होता क्या है हार्ट अटैक, उसके बारे में हमने देखा था। और आज का हमारा टॉपिक है कि हार्ट अटैक कैसे होता है ना, रीज़न क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहली बात कि हार्ट अटैक जो होता है ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इंसान काम कर रहा है, चल रहा है, टहल रहा है, सो रहा है, कभी भी खाना खा रहा है ना, किसी भी टाइम हार्ट अटैक हो सकता है विदाउट एनी वार्निंग, यानी कि बिना किसी वार्निंग के हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पता बता करके ही हार्ट अटैक होगा। ठीक है, या कोई ऐसे सिम्टम्स आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। हाँ, सिम्टम्स भी आते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। ओके, दूसरी बात कि इसमें मैं आपको यहाँ पर कुछ रीज़न ये बता रही हूँ जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है और इसको हम कंट्रोल करके हार्ट अटैक को बहुत ही हद तक रोक सकते हैं। अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर ही सकते हैं, अदरवाइज़ जो होने होता है उसको तो कोई नहीं रोक सकता। अगर वो चीज़ होना है तो वैसे होके ही रहता है, बट जानबूझ करके तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो अपनी तरफ से तो हम प्रिकॉशन रखते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। तो चलिए बच्चों वन बाय वन हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारा है कि हार्ट अटैक होने का जो रीज़न है वो सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल। हम आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है बच्चों? कोलेस्ट्रॉल एक केमिकल होता है जो कि यदि हम हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो हमारे ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है और वहां जाकर के वो जमा होने लगता है। ठीक है, जैसे एक पाइप है, पाइप के अंदर जैसे मिट्टी जमा होने लगती है और धीरे धीरे पाइप बंद हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल भी ब्लड वेसल्स के अंदर जाना शुरू कर देता है और वहाँ जाकर के जमा होते होते वो पाइप के अंदर धीरे धीरे क्या करता है, ब्लॉकेज बन जाता है और उस वजह से ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुँच पाता। और जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है तो ब्लड के थ्रू मिलने वाली ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें भी उसको नहीं मिल पाती और हार्ट का कुछ पोर्शन काम करना बंद कर देता है इन चीज़ों के एब्सेंस में, और इसी को हम कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो उसका एक रीज़न मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल, कि यदि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो इस तरीके से हमको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर न जाए। ठीक है, लेकिन न जाए इसके लिए हमको जानकारी तो होना चाहिए कि ऐसा हम क्या खा रहे हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो उसमें बच्चों है हमारा पहला नॉनवेज। जो लोग नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इसका मतलब कि वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं बल्कि बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो अंदर बॉडी के रहते हैं, जो विसरल ऑर्गन्स हैं, उनको बहुत दुख होता है ना, बहुत वो परेशान होते हैं जब हम ये फालतू चीज़ें, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे कि हमारी बॉडी को नुकसान होने वाला है। तो वो बहुत ही तकलीफ़ होता है उनको कि क्या खा रहे हो तुम, है ना। वो अंदर से हमको बहुत ही मतलब हमारे पर बहुत गुस्सा उतारते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें ले रहे हो। तो पहला हो गया हमारा नॉनवेज। यदि हम नॉनवेज आवश्यकता से ज़्यादा खाते हैं तो हम कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमको कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़ हो गई बच्चों, जितने भी फास्ट फूड, जंक फूड हम खाते हैं, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो हम चीज़ें खाते हैं, इनमें भी बहुत क्रीमी और ऑयल होता है, इसके थ्रू भी क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो इस चीज़ पर भी हमको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, या फिर बफेलो मिल्क जो होता है, या ना जिसमें कि बहुत ज़्यादा फैट होता है, अगर उस मिल्क का भी हम ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमको इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप जंक फूड मत खाओ, लेकिन कंट्रोल में खाएंगे, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, डेली हम घर का ही खाना खाएंगे, कभी कभार बाहर गए और मन किया तो बाहर की चीज़ें खा लेंगे, उससे हमको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम रोक सकते हैं। और हम क्या खाएं, है ना, खाएं क्या? तो बच्चों हम प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट से बनी हुई चीज़ें खाएं। वैसे भी जो ऊपर वाले ने हमको पेड़ पौधे दिए हैं और पेड़ पौधों के द्वारा जो हमको खाने पीने की चीज़ें मिलते हैं वो पर्याप्त मिलते हैं, सफिशियंट चीज़ें मिलती हैं, उसको हम खा करके और हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी हेल्दी रहते हैं। तो हम क्या क्या हमको पौधों से जैसे मिल जाता है, क्या अनाज है ना, जैसे चावल, दाल, गेहूँ, उसके बाद साग सब्जी, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हमको पौधों से मिल जाती हैं। तो प्लांट से
से मिलने वाली इन चीज़ों को अगर हम खाते हैं तो उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। प्लांट से मिलने वाले किसी भी प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो गॉड ने बनाया ही यही था कि आप लोग ये खाओ, ठीक है, इससे आप लोग हेल्दी रहोगे। तो हमको इन चीज़ों को छोड़ना होगा और प्लांट प्रोडक्ट ही खाना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आपका कभी कभार मन करे तो इन चीज़ों को खा लेंगे तो उससे क्या रहेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। हमारी बॉडी भी कोलेस्ट्रॉल अपनी ज़रूरत के लिए थोड़ी बहुत बनाती है, उससे हमको कोई नुकसान नहीं होता है। तो फर्स्ट बच्चों हमने देख लिया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। सेकंड हमारा है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी एक वो केमिकल है जो कि हर ऑयली चीज़ों में मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, ऑयली चीज़ों में है ना, मतलब ऑयल, जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल ले लो, सरसों का तेल ले लो, या फिर कोकोनट ऑयल ले लो, या फिर रिफाइन ऑयल ले लो, है ना, राइस ऑयल ले लो, कोई भी हम ऑयल यूज़ करते हैं उस ऑयल में ट्राइग्लिसराइड होता है। तो हम क्या करें कि इसको कंट्रोल करें, है ना। जैसे बहुत सारे लोग बहुत ऑयली खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जी में ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, बल्कि क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मफुल केमिकल ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा जा रहा है। और ट्राइग्लिसराइड भी सेम वही काम करता है, वो भी क्या करता है, ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट को जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू सप्लाई नहीं हो पाता, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड जितने भी ऑयल्स, ऑयली चीज़ें हैं, जिसमें से ऐसे सीड या ऐसे ड्राई फ्रूट जिसमें से कि ऑयल निकलते हैं, उन सब चीज़ों में ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। ठीक है, जैसे काजू को भी आप इसको यूं रगड़िए तो उसमें से ऑयल निकलता है ना, तो उसमें भी ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। और जितने भी सीड होते हैं ना, जैसे सरसों का बीज हो गया, उसमें सीड होते हैं, उसमें जो है ऑयल होता है, तो जो भी ऑयली सीड्स होते हैं या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको भी हमको बहुत ही कंट्रोल करके खाना चाहिए, ताकि हम ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा न पहुंच पाए। ठीक है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयल को कंट्रोल करते हैं तो उससे भी क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड को हम रोक सकते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को एक हद तक रोका जा सकता है। थर्ड है बच्चों हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड जो होता है, जो हमारे वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगाता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है, ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी, जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 होता है। 120 को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 को बोलते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यदि हमारा बीपी नॉर्मल है तो वैल्यू होनी चाहिए 120/80, इट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। अगर ये 120/80 बढ़ने लगता है तो इसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हाई बीपी जब हो जाता है तो वो क्या होता है कि इन वेसल्स पर क्या करता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लगाने लगता है ना, ब्लड इसमें से फ्लो हो रहा है और काफ़ी प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है, तो इन पर क्या होगा कि जिसमें से वो फ्लो हो रहा है उस पाइप के ऊपर प्रेशर भी वो ज़्यादा लगाने लगता है, जिसकी वजह से पाइप के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जब पाइप डैमेज होगा तो उस पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जो हमारे खाने के थ्रू जा रहा है वो कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर स्मूथ सरफेस है ना, तो वहां से क्या होता है, उस पर गंदगी जमा नहीं होती, लेकिन अगर सरफेस रफ है तो उस पर गंदगी जमा होती है। तो यहां पर डैमेज जो एरिया है, यानी कि रफ सरफेस हो गया, तो उस पर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल जमा होते ही वहां पर फिर क्या होगा, ब्लॉकेज बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, और जब ब्लॉकेज बनेगा तो वही हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाई बीपी जो है वो भी एक रीजन है हार्ट अटैक का, इसको भी हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो हाई बीपी को कंट्रोल करने का क्या, हम किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो बच्चों हमको क्या करना होगा कि नमक हम कम खाएं। ठीक है, और जितने भी मतलब वही चीज़ ऑयली चीज़ें हमको कम खाना है, घी कम खाना है, ये बाकी चीज़ें जितनी नॉनवेज है, फास्ट फूड, जंक फूड है ना, जो मैंने आप ऊपर सारी चीज़ें बताई, इन्हीं सब चीज़ों को हमको कंट्रोल में खाना है। और साथ में एक उसमें सॉल्ट हम ले लेंगे कि नमक भी कम खाना होगा, ठीक है ना, या लो सोडियम सॉल्ट हम खा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है वो होता है एक्सरसाइज। ठीक है, हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। यदि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग या इवनिंग में, यदि हम बाहर निकलते हैं, ठीक है, और बाहर के इन्वायरमेंट के साथ, जो बाहर का वातावरण है उसके साथ आप फ्रेंडशिप करिए, और उस वातावरण में, उस एनवायरमेंट में एक दो घंटा आप उसके साथ रहिए, है ना, वहाँ पर रहिए, उसको महसूस करिए, इन्वायरमेंट को, आपको बहुत ही अच्छा, बहुत फ्रेशनेस लगेगा। और ये सिर्फ आपको महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है एनवायरनमेंट। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट के साथ, मतलब हमको फ्रेंडशिप करके हमको एनवायरनमेंट के साथ रहना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर घर में हम पैकअप हैं, ठीक है ना, पैकअप होकर के दिन भर उसमें ही पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को बाहर खेलना चाहिए। ठीक है, तो सुबह शाम बाहर एनवायरनमेंट में निकलो, एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडशिप करो, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमको काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और
हमारे वॉकिंग से अगर हम टहल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर योगा कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, बाहर के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आप मसल्स बना रहे हो, आपको दिखाई देता है अच्छा मसल्स बन रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो है, जिनको विसेरल ऑर्गन्स कहते हैं, वो मजबूत हैं कि नहीं, स्ट्रांग है कि नहीं, ये आप कैसे पता करोगे? ठीक है, तो विसरल ऑर्गन को मजबूत बनाने के लिए, जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, है ना, हमारे स्टमक है, तो इन सारी चीज़ों को स्ट्रांग बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ठीक है ना। इन चीज़ों से क्या होता है कि अंदर की चीज़ें भी हमारी क्या होती हैं, काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से काम कर लेती हैं, अंदर के विसरल ऑर्गन हमारे हेल्दी हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मैं ये बच्चों को बता रही हूँ, ठीक है, बच्चों को क्यों बता रही हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चों मैं टीचर हूँ, मेरे पास ये जानकारी है, ठीक है ना। तो मैं इन जानकारी को, मैं जानती हूँ कि आप इसको बकायदे साइंस के वे में समझें कि ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ओके। तो हम रीज़न के साथ बात करेंगे, है ना। ऐसा कहा जाता है कि ये मत किया करो, ऐसा मत किया करो, भाई नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न बताइए, है ना। आजकल हम सभी बच्चे जो होते हैं वो पीछे का रीज़न जानना चाहते हैं, इस वजह से बच्चों मैंने आपके हिसाब से ये वीडियोस बनाया है ताकि आप रीज़न जान सकें कि इसके पीछे ये रीज़न है, ओके। तो मैंने अपनी जानकारी आपके साथ शेयर की, अब आपको क्या करना है बच्चों कि इस जानकारी को आपको भी, जो भी आपके मिलने वाले हैं, जिनको आप जानते हैं, जो आपसे आपके बड़े हैं, ठीक है, तो उन तक ये जानकारी आपको भी पहुंचानी है, ठीक है, उनको अवेयर करना है। अब ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है, ये बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, हमको पता नहीं है। हम अपने बच्चे को जो है लगातार खूब सारा जो है बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाए जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, काजू खिलाए जा रहे हैं, बादाम खिलाए जा रहे हैं कि बच्चा जो है वो, उसका दिमाग अच्छा होगा और बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काजू खिलाने से स्ट्रेंथ आएगी। आपने देखा कि यहाँ ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाने से क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड भी अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो वो बात हो गई अवेयरनेस की, तो हमारे को जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अब यही काम करना है मुझे और आपको मिल करके, मैंने जानकारी आपको दी, आपको क्या करना है इस जानकारी को आप जिनको, जिनसे मिलते हो, जिनको जानते हो, वहाँ तक इन जानकारी को पहुँचाइए, अवेयर करिए लोगों को, ताकि हम भी एक सहयोग कर सकें कि थोड़ा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को कैसे रोका जा सका है। इन चीज़ों की जागरूकता हमको फैलानी है, ठीक है बच्चों। इस वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको मैं इसके पीछे का रीज़न बता सकूं और हम और आप मिल करके जितनी हो सके एक ये सोशल वर्क कर सके, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट ये हो गया हमारा थर्ड, हाई ब्लड प्रेशर, इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे। हाई शुगर, अगर शुगर हमारी हाई हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है? शुगर अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गया है, जिसको हाई शुगर की प्रॉब्लम हो गई, उसमें भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? क्योंकि शुगर क्या करता है कि बराबर ये शुगर जिन ब्लड के थ्रू, जिन वेसल्स में ये शुगर फ्लो कर रहा है, उन वेसल्स के सरफेस को अंदर से वो क्या कर देता है, रफ़ कर देता है, और वही चीज़ रफ़ सर्फेस कर देगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगती है, ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह ब्लड के थ्रू नहीं पहुँच पाता, जिससे कि हार्ट अटैक होता है। तो हाई शुगर की वजह से भी सारी चीजें हो सकती हैं। हाई शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो हम ऊपर से देखते आ रहे हैं, वो सब चीजें तो हमको करनी है, साथ में हमको मीठी चीजों को कंट्रोल करके खाना होता है, ठीक है, और साथ में एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीजें हर डिजीज में, केवल हार्ट अटैक नहीं, हर डिजीज के लिए प्रिकॉशन है एक्सरसाइज, है ना, फिजिकल एक्टिविटीज। और यदि इन सब चीज़ों को हमने प्रिकॉशन तो रखा ही, लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेडिसिन भी लेना चाहिए, ताकि उसके साथ साथ मेडिसिन भी अपना काम कर रही है, जो कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब हार्मफुल होती नहीं है, वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो बीपी अगर हो गया है तो बीपी का मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है स्मोकिंग, गुटखा, टोबैको। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे टोबैको प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे गुटखा लोग खाते हैं या फिर सिगरेट ले रहे हैं, मतलब हमने खाना खा लिया, एनर्जी हमको मिल रही है काम करने के लिए, सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके, फिर क्या ज़रूरत है कि हम एक्स्ट्रा अलग से सिगरेट लें या एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेना है या फिर एल्कोहल लेना है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है ना, ये अननेसेसरी और वेस्टेज ऑफ मनी, पैसा तो जा ही रहा है साथ में आपका हेल्थ भी जा रहा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं, इनकी वजह से भी तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, जिनमें हार्ट अटैक भी उन्हीं में से एक डिजीज़ है। कैसे? क्योंकि ये चीज़ खाने से होता क्या है कि जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, देखिए आपकी वेसल्स ऐसी
है नॉर्मल, ठीक है ना, पाइप एकदम नॉर्मल है, लेकिन जो लोग ये चीज़ें लेते हैं, है ना, उनकी पाइप क्या हो जाती है, इस तरीके से श्रिंक हो जाती है, उनकी पाइप ऐसे सिकुड़ जाती है। अब जब ये सिकुड़ जाएगी तो बीच के अंदर की जो इसमें ल्यूमेन है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ब्लड जो है वो इसमें से अब काफ़ी वो सकरा हो जाता है, उसमें से फ्लो नहीं हो पाता, और दूसरी बात इसमें भी ब्लॉकेज बनने की संभावना पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक की समस्या होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी कि हमको ये भी साथ में अवेयरनेस फैलाना है, ये भी स्मोकिंग या गुटखा ये खा रहे हैं या अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस पर भी कंट्रोल करेंगे हम। आगे भी मैं एक वीडियो इस पर जरूर डालूंगी बच्चों, उसको भी आप देखना कि किस तरीके से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके आसपास में कहीं भी इस तरीके का आप देख रहे हैं जहां आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, इनको जानकारी नहीं है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर पूरी करिए। ठीक है, और शुरुआत अगर आपको आपके घर में कोई ऐसा है जो गुटखा वगैरह ले रहा है तो वहां से शुरुआत करिए, अपने फैमिली से ही। ठीक है ना, उनको समझाइए, हम एकाएक तो नहीं छोड़ सकते लेकिन हाँ कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि तनाव, यदि हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ठीक है, आजकल की लाइफ ही हो गई है हेक्टिक लाइफ, भागम दौड़ी है ना, सब भाग रहे हैं, तो जो हेक्टिक लाइफ है इसमें स्ट्रेस होना तो मतलब एकदम ऐसा ही है कि हो ही जाता है ना, ये तो मतलब यूजुअल है। तो स्ट्रेस अगर हमको तनाव हो जाता है या सडनली बहुत ज़्यादा हमको खुशी भी मिल जाती है, उन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, और उस केमिकल की वजह से यदि पहले से कोलेस्ट्रॉल जमा है, हमारे इस पाइप की हालत ऑलरेडी ख़राब है, और हमको अचानक से ऐसा कुछ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई, तो केमिकल रिलीज हुआ, उस केमिकल की इफ़ेक्ट से क्या होगा कि यदि ये हमारा पाइप ऑलरेडी जर्जर हालत में था और टूटने के कगार पे था, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो टूट जाता है, ये ब्लॉकेज है ना, जो प्लग है वो टूट जाता है, और वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग जमा होने लगती है, यानी कि ब्लॉकेज बन जाते हैं। ठीक है, और हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है। आपने सुना होगा ना कि उसको अचानक से ऐसा कुछ खबर मिला, सदमा हो गया और हार्ट अटैक हो गया, या बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। कारण यही होता है कि बहुत ज़्यादा सदमा लग जाए, बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ें हो जाएं, या फिर बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाए, दोनों ही कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, केमिकल रिलीज करती है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। कि अगर पहले से ही अगर ऐसा है कि ब्लॉकेज वगैरह मतलब उसमें प्लग बने हुए हैं, तो वहाँ पर ब्लॉकेज बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं आपको बताऊंगी, हमारा एक टॉपिक ये भी रहेगा, मैं आपको अपने ब्रेन के बारे में बताऊंगी बच्चों, बहुत ही सिंपली कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। हम अपने कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन ही हमारे लिए हमारी ताकत है, हमारा दिमाग ही हमारी ताकत है, क्योंकि वही हमको बताता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन यही अगर हमारा दिमाग ठीक ढंग से काम न करे तो यही क्या बन जाता है हमारे लिए, मतलब अगर गलत रास्ते पे चला गया ये, है ना, तो ये हमारे लिए हथियार बन जाता है। तो किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है, ओके, इसके बारे में, जैसे अभी आपने देखा ना कि केमिकल रिलीज होता है, तो कहाँ से रिलीज होता है केमिकल, या फिर किस तरीके से हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, इसके बारे में बच्चों हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये जो मैं जानकारी दे रही हूँ, वैसे तो हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, सेल चैप्टर चल रहा है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, प्लास्टिड में हम मेनली क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने उसको थोड़ा सा बीच में ड्रॉप करके आपको ये टॉपिक दिया है। और इस तरीके से बहुत ही ऐसी जो कॉमन चीज़ें हैं, जो डिजीज़ है, या हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अवेयरनेस फैलाना चाहिए, उस पर भी मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाती रहूँगी, और वहाँ से आप देख करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग निभाइए, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक ब्रेन के ऊपर होगा, उसको भी आप लोग जरूर देखना। तो आज के बच्चों इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।